अभी अभी आई बहुत बड़ी खबर। छतौनी थाना के एक मोहल्ले में विधवा मकान मालकिन व उनकी पुत्र वधु का यौन शोषण कर वीडियो बना उन्हें ब्लैकमेल करने के मामले में गिरफ्तार युवक निशांत राज के पास से मिले आधार कार्ड के आधार व एसपी कार्यालय से जारी चरित्र प्रमाण पत्र पर उसके दो नाम सामने आए हैं। पुलिस द्वारा की गई प्रारंभिक जाँच में यह बात सामने आई है कि एक आधार कार्ड पर युवक की जानकारी निशांत रेजा पिता मोतीउर रहमान मोहल्ला चकलालू और थाना मेहसी जिला पूर्वी चंपारण के निवासी के रूप में दर्ज है। वहीं दूसरे पर निशांत राज पिता राजबाबू मोहल्ला राजेंद्र नगर थाना छतौनी जिला पूर्वी पर दर्ज है। इसके अतिरिक्त उसने एमपीएसपी कार्यालय से दो चरित्र प्रमाण पत्र भी बनवाए, एक निशांत रेजा के नाम से 19 मार्च 2016 को और दूसरा 2 अप्रैल 2022 को बनवाया निशांत राज के नाम से। वहीं डिजिटल मीडिया के एक प्लेटफॉर्म के संपादक के तौर पर अपनी पहचान बनाने के बाद रेजा ने छतौनी के एक मोहल्ले की दो महिलाओं को अपने झांसे में लिया, जो कि सास बहू थी और पैरवी के नाम पर दोनों का यौन शोषण किया। इस बीच उसकी नजर महिला की संपत्ति पर पड़ी, दोनों को ब्लैकमेल करने लगा और मकान अपने नाम कराने की साजिश करने लगा। इस सिलसिले में पीड़ित महिला ने छतौनी थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है। आरोप लगाया है कि 2020 में उनके शिक्षक पुत्र की मौत के बाद पैरवी के दौरान उक्त युवक से परिचय हुआ के नाम पर वह उनके मकान में किराए पर रहने लगा। इस दौरान उसने विधवा मकान मालकिन यानी सास और उनकी विधवा पुत्र वधु के साथ ब्लैकमेल कर यौन शोषण किया। पुलिस अधीक्षक कांतेश कुमार मिश्र ने बताया कि युवक महिला व युवतियों को प्रेम जाल में फंसाकर अश्लील वीडियो बनाकर उन्हें ब्लैकमेल करता था। उसने दो नाम से आधार कार्ड व आचरण प्रमाण पत्र भी बनाया था। इसकी जांच कराई जा रही है।